प्यारे छात्रों को नमस्कार। आप सबको इस वीडियो में हुट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। तो हुट का बॉटनिकल नेम होता है टेरिटकम एस्टिवम अथवा टेरिटकम वल्गेयर। इसकी फैमिली होती है ग्रेमनी और जीन्स होता है टेरिटकम। दूसरा बिंदु आता है कि भारत में गेहूं की तीन जातियों की खेती की जाती है। पहला ट्रिटकम एस्टिवम चपाती वाला गेहूं है, दूसरा ट्रिटकम ड्यूरम सूजी वाला गेहूं है, और तीसरा हमारा आता है ट्रिटकम डीकोकम जो कि समर गेहूं है। तीसरा बिंदु आता है कि विकासशील देशों में गेहूं के आटे में ग्लूटीन अधिक होने के कारण खमीर उत्पन्न करके आटे का प्रयोग डबल रोटी बिस्कुट आदि तैयार करने के लिए किया जाता है। हमारा चौथा बिंदु आता है कि यूपी हमारे देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्षेत्र में गेहूं उत्पन्न करने वाला राज्य है। पांचवा हमारा बिंदु आता है कि यूपी की औसत उपज 26.27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। छठवां बिंदु आता है कि डी कैंडेलो यानी सन 1884 के अनुसार दजला फरात की घाटी गेहूं की उत्पत्ति स्थान है, अर्थात गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है, तो इसका आंसर होगा कि दजला फरात की घाटी। हमारा सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है कि गेहूं की खेती 25 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसके बाद आठवां बिंदु आता है कि गेहूं की फसल के लिए 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु आता है हमारा नौवां, बीज के जमाव के लिए साधारणता तापमान आवश्यक है। मिनिमम तापमान 38 से 42 डिग्री फारेनहाइट और मैक्सिमम 95 डिग्री फारेनहाइट। इसके बाद दसवां महत्वपूर्ण बिंदु है कि गेहूं की उन्नतशील जातियां जो कि सिंचित क्षेत्रों के लिए हैं, फर्स्ट सोनालिका, दूसरा यूपी 2003, तीसरा यूपी 115, चौथा यूपी 2121। इसके बाद हमारा आता है अनशिक्षित क्षेत्रों के लिए उन्नत जातियाँ कौन कौन है, फर्स्ट C306, सेकेंड UP2113, थर्ड UP1109, और चौथा हमारा आता है BL421। इसके बाद 11वां हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि गेहूं के बोने की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 12वां बिंदु आता है हमारा कि पहली सिंचाई बुआई से 20 से 25 दिन के अंदर पहली सिंचाई करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सिंचाई कल्ले फूटने की अवस्था बोने के 40-45 दिन बाद करते हैं, और इसके बाद तीसरी सिंचाई गांठ बनने के अंतिम अवस्था बोने के 65 से 75 दिन के बाद करनी चाहिए, और चौथी सिंचाई फूल आने के समय बोने के 90 से 95 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद पांचवी सिंचाई करनी चाहिए दानों में दूध पड़ने के समय बोने के समय 110 से 115 दिन बाद करनी चाहिए। छठी सिंचाई करनी चाहिए दाना सख्त पड़ते समय बोने के अर्थात बोने के 120 से 125 दिन के बाद करनी चाहिए, अर्थात हमें गेहूं की सिंचाई 6 बार करनी चाहिए। हमने 6 की सिंचाई का समय बता दिया गया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिएगा। धन्यवाद।